हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एका 20 में। आज जानिए कौन था जरासंध। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि सुन सके अन्य रोचक कहानी। चलो शुरू करें वीडियो। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। उसके जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। जरासंध मगध वर्तमान बिहार का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। जरासंध का जन्म मगधदेश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंद्रकौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंद्रकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की दो पत्नियां थी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित जोड़ा किया था। जरासंध की मृत्यु। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के दो टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। यही थी पूरी कहानी जरासंध की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।